प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस प्रोजावान में। हम लोग का चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, टॉपिक चल रहा था पोटेशियम डाइक्रोमेट। आज उस टॉपिक की समाप्ति है इस वीडियो में। उसमें लास्ट जो अपन को चीज पढ़नी है वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। प्यारे बच्चों, जो क्रोमेट आयन होता है उसका फॉर्मूला होता है CrO4-2 और उसका कलर होता है येलो पीला। और जो डाइक्रोमेट आयन होता है उसका फॉर्मूला होता है Cr2O7-2 और कलर होता है उसका ऑरेंज रेड। कौन सा होता है? ऑरेंज रेड। अब देखेंगे इसे हम। चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट Cr4-2 आयन एंड डाइक्रोमेट आयन Cr2O7-2 आयन। बेटे पहले क्रोमेट आयन में देखें, आपको साफ नजर आ रहा है जो क्रोमेट आयन है उसमें ये टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। कैसा है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब है जो सीआर है, सीआर एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में शो किया गया है। सीआर से चार ओ जुड़े हुए हैं टेट्राहेड्रली और ऊपर चार जो माइनस टू है वो ऊपर दिखाया गया है। ये क्रोमेट आयन है, ये इसका स्ट्रक्चर है और इसका कलर होता है येलो। कौन सा कलर है? येलो। ये क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है, इसके पास में ही डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें अगर आप देख रहे हैं सीआर दो है, तीन ओ इस सीआर से जुड़े हैं, तीन ओ इस सीआर से जुड़े हैं और एक ओ कॉमन है जो ब्रिज का काम कर रहा है। रिपीट, टोटल ओ कितने हैं? सात। तीन ओ एक सीआर से, तीन ओ दूसरे सीआर से और एक ओ ब्रिज का काम कर रहा है, उससे दोनों सीआर एटम आपस में जुड़े हैं। जो ब्रिज वाला ओ है वो ये है और जो बाकी ओ हैं इंडिविजुअल वो ये वाले हैं। इंडिविजुअल मैंने व्यक्तिगत, है ना। ये वाले ओ केवल इस सीआर के हैं, ये वाले ओ केवल इस सीआर के हैं और ये वाला ओ इन दोनों सीआर से जुड़ा है। जो ओ दोनों सीआर से जुड़ा है उस बॉन्ड की लंबाई 179 पिकोमीटर है ना। और जो सीआर और ओ आपस में जुड़े हैं, यानी ये वाला ओ केवल इस सीआर से जुड़ा है, इस सीआर से इसका कोई लेना देना नहीं है, उस बॉन्ड की लंबाई 163 पिकोमीटर है। मैं बताना चाहूंगा इसमें छह ऑक्सीजन जो हैं, है ना, उनमें जो सीआर ओ बॉन्ड बन रहा है, यानी ये वाला सीआर बॉन्ड ओ, एक दो तीन चार पांच छ, इन सबकी लंबाई 163 पिकोमीटर है, यानी कि इसकी भी 163, इसकी भी, इन तीनों की भी 163। लेकिन जो ये वाला सीआरओ है या ये सीआरओ है, इन बॉन्ड की लंबाई 179 पिकोमीटर है। पिकोमीटर का मतलब होता है प्यारे बच्चों 10^-12। और जो यहां पे एंगल बन रहा है सीआरओ सीआर में, इसकी वैल्यू 126 डिग्री। सीआरओ सीआर एंगल की वैल्यू 126 डिग्री है। ये डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है। गिने सीआर कितने हैं? दो। ओ गिनो, तीन, तीन छह, एक कॉमन, सात, है ना। और टोटल चार्ज माइनस टू ऊपर दिखाया गया है। डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला Cr2O7-2, इसका कलर होता है ऑरेंज रेड। ठीक, इसमें साफ नजर आ रहा है दोनों सीआर एटम जो हैं वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में है। देखो इसको, देखो ये भी टेट्राहेड्रल में है और इसको देखो ये भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में है, यानी दो सीआर एटम हैं और दोनों टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में हैं और एक कॉमन ओ के द्वारा जुड़ रहे हैं। हर सीआर पे चार ओ है, हर सीआर पर चार ओ है, तीन ओ उसकी अकेली है जो किसी से नहीं जुड़ रही, एक ओ ऐसी है जो कॉमन है दूसरे सीआर से जुड़ रही है। जब सीआर ऐसे ओ से जुड़ता है जो खाली उससे ही जुड़ती है तो बॉन्ड की लंबाई 163 पिकोमीटर होती है, और जब सीआर ऐसी ओ से जुड़ता है जो कॉमन होती है तो बॉन्ड की लंबाई 179 पिकोमीटर होती है और सीआर ओ सीआर एंगल 126 डिग्री का है। अब मैं सामने से हट रहा हूं,
आपको सारा नजर आ रहा है जो मैंने समझाया, आप देख लीजिए और इस पूरे को नोट कर लीजिए अपने पास, ठीक है। और ध्यान रखिए इसका कलर येलो है और इसका कलर ऑरेंज रेड है, डाइक्रोमेटाइन का। डाइक्रोमेटाइन में का कलर ऑरेंज रेड है। डाइक्रोमेटाइन में अगर आप, एक बात ध्यान देने की है, अगर डाइक्रोमेटाइन जो है आप है ना, उसमें पीएच वैल्यू को चेंज करके डाइक्रोमेट को क्रोमेटाइन में और क्रोमेटाइन को डाइक्रोमेटाइन में बदला जा सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद है क्रोमेट और डाइक्रोमेटाइन के स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक। थैंक यू वेरी मच।